दोस्तों, डीसी की नई सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल आ गई है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं रिव्यू ब्लू बीटल का। जेम्स गन डीसी के को सीईओ बनने के बाद की पहली फिल्म ब्लू बीटल है। ब्लू बीटल के बारे में वैसे ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है और शायद हॉलीवुड में भी लोग कम ही जानते हैं। ऐसा ही तो हुआ था आयरन मैन और एंटमैन के साथ। स्कैरब जेनेटिकली इंजीनियर बायो वेपन है जिसकी खुद की सोचने समझने की ताकत है, जो आउटर स्पेस से होते हुए अपने हीरो हाइमेरेस से अटैच हो जाता है और वो बन जाता है ब्लू बीटल। ब्लू बीटल बनके क्या करेगा? वही जो बाकी सुपर हीरोज करते हैं, अपनी फैमिली और दुनिया को बचाना। जोलो मारिद्वेनिया ने हाइमे रेस का रोल किया है। जोलो इससे पहले कोबरा काय में काम कर चुके हैं और उसी एनर्जी के साथ उन्होंने ब्लू बीटल में परफॉर्म किया है। जोलो का परफॉर्मेंस बहुत ही रिफ्रेशिंग है। उनका हाइमे का कैरेक्टर बहुत ही स्वीट लड़के का है जो अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखता है। फिल्म को एक फिक्शनल शहर पाल्मेरा सिटी में सेट किया गया है। हाइमे मैक्सिकन अमेरिकन फैमिली से है। फिल्म के अंदर रेसिज्म और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। जहाँ एक तरफ आप बड़े बड़े रिसॉर्ट्स, मैंशन और ऑफिस बिल्डिंग्स देखते हो, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे मकान भी देखते हो जहाँ हाइमे अपने फैमिली के साथ रहता है। गरीबी की वजह से उसकी फैमिली में बहुत स्ट्रगल है, फिर भी हाइमे हार्डवर्क और जुनून के साथ अपनी फैमिली को बेहतरीन ज़िंदगी देने की कोशिश करता है। ब्लू बीटल फैमिली डायनेमिक्स को सेंटर में रख के बनाई गई है, जिसमें जोलो परफेक्ट बैठता है और जल्दी उनके कैरेक्टर के साथ आप कनेक्ट कर जाते हो। ब्लू बीटल भले ही सुपर हीरो फिल्म है, पर यहाँ कहानी को काफ़ी ह्यूमनाइज किया गया है, जो इसे बाकी सुपर हीरो फिल्मों से अलग करती है। सुपर हीरो फिल्मों के फैंस होने के नाते हमने वो सब कुछ देख रखा है जो ये फिल्म हमें प्रेजेंट करती है। मतलब मैं ताजुब में हूँ कि ब्लू बीटल लगभग 1939 से कॉमिक बुक्स में है। इतना पुराना सुपर हीरो होने के बावजूद इसे इतने सालों से डीसी ने कैसे छुपा के रखा? इस पर तो बहुत पहले ही फिल्म आ जानी चाहिए थी, तो शायद इसको भी आयरन मैन और एंटमैन जैसी फैन फॉलोइंग मिलती। जो टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन के फैंस हैं, वो जल्दी ब्लू बीटल से रिलेट करेंगे, क्योंकि फिल्म पूरी तरह से ह्यूमन इमोशंस और फैमिली डायनेमिक्स को इंपॉर्टेंस देती है, जो सच में वही करती है जो एक कॉमिक बुक सुपर हीरो मूवी को करना चाहिए। हाइमे स्कैरब के फुल पावर को अनलॉक कर सकता है। हाइमे का ब्लू बीटल में ट्रांसफर होने वाला सीन बहुत ही डरावना है। फिल्म वैसे बच्चों के लिए है, पर इस सीन को देखकर सच में आपका दिल दहल जाता है। ब्लू बीटल एक एक्शन पैक मूवी है जिसमें कुछ कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। फिल्म का VFX आउटस्टैंडिंग है। ब्लू बीटल के पावर्स काफ़ी रियल लगते हैं। मूवी को लाइट हार्टेड रखा गया है। फिल्म में हल्की फुल्की कॉमेडी है जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है। हाइमे की फैमिली बहुत ही क्रेजी है, आपस में झगड़ते हैं, साथ ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। आपस में काफ़ी प्यार भी है, उनकी केमिस्ट्री बहुत रियल लगती है। स्क्रीन पर मानो आप किसी की रियल फैमिली देख रहे हो। जॉर्ज लोपेस अपने कॉमेडी अवतार में दिखे, हमेशा की तरह उनकी कॉमिक टाइमिंग ज़बरदस्त है। सुजैन सैरेंडन इस बार विलन के रोल में है। सुजैन बहुत ही गुस्से में लगी है, लेकिन उनके कैरेक्टर को और भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। फिल्म देखकर मुझे जो फनी बात लगी वो है कि जैसे ही कोई कैरेक्टर मास्क पहनता है तो फाइटिंग शुरू हो जाती है। ब्लू बीटल के सूट की पावर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब जो चाहे वो बना लो। बैटमैन के जैसे यहाँ भी अपने सुपर हीरो के कुछ मॉरल्स, कुछ एथिक्स है। वो किसी की जान नहीं लेता, नो मीन्स नो। जोलो का कैरेक्टर आप धीरे धीरे पसंद करने लगते हो। आगे जाकर जोलो आपका फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर बन जाएगा। फिल्म देखकर लगता है कि फिल्म के प्लॉट्स यहाँ हुआ दूसरी फिल्मों से उठाए हुए हैं। ये फिल्म अगर साल 2000 के आसपास आती है तो शायद चल जाता, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो आप दूसरी सुपर हीरो मूवीज में देख चुके हो। फिल्म एक्शन से भरपूर है जो आपको 100% एंटरटेन करती है। इस वीकेंड पर गदर 2 और ओ माई गॉड 2 के बाद आपको रिलैक्स करना हो तो ब्लू बीटल जरूर देखें। कमेंट करके बताइए आपको ब्लू बीटल कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।